हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, मेरा फ़ोन आ रहा है। हाँ, तो मैं आ गया वापस से। मेरा एक फ़ोन आ रहा था दोस्त का, तो मैं अपने साथ मुझे पहचान लिए रहेंगे। कौन हूँ मैं हूँ डॉन, ठीक है। तो जरा मैं अभी जा रहा हूँ मैं उज़्मा को लेने के लिए। हम लोग दोनों गए थे आज मैं और नाजो उसकी अम्मी के पास, तो उज़्मा वहीं पर रह गई थी और अभी लेने जा रहा हूँ मैं। बरसात चालू हो गई है तो मुझे रेन कोट निकालना पड़ा, पहनना पड़ा, और उज़्मा के लिए मैंने ले लिया ये देखो। सुबह से हल्की फुल्की हल्की फुल्की सुबह से चल, लेकिन है ना बारिश के हिसाब में बारिश कब आई है पता है? शाम से। एक्चुअली शाम में हम लोग गए थे अम्मी के घर पे कुछ काम की वजह से, तो उज़्मा को वहीं पे छोड़ दिया हम लोग। तो अभी वो उसको लेने जा रही है और देखो ना ये क्या बने। अरे बहुत गर्म हो रहा है कसम से, मैं जा रहा हूँ उज़्मा को लेने के लिए। देखो मैं तुमको बताती हूँ, ये देखो रेनकोट और ये मेरा रेनकोट। ये ना शादी के बाद मैंने इनको गिफ्ट की थी, लेकिन ये अच्छा खासा चला है, पहनते नहीं है क्योंकि इसके लिए चल गया। ये सिर्फ नहीं, ये कहाँ पहनते, तुम नए नए हर साल लेते, कब पहने बताओ? पिछले साल भी व्हाइट वाला तुम लेके पहने थे, तो ना आज भारी पड़ रहा उनको ये वाला पहनने। इसमें गर्म होता है, बहुत जाड़ा है, ठीक है ये। और अभी मैंने उज़्मा का ये रेनकोट भिजवा रही हूँ, साथ में बाबू सैंडल और रेनकोट लेके जा रहे हैं। सैंडल इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि जूता है, लेकिन वो जूता बारिश में पहनेंगी तो खराब हो जाएगा, इसके लिए वो सैंडल। मैं आता हूँ, मुझे बहुत गर्म है, निकल आता हूँ उज़्मा को लेके। आज मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं की थी बाबू की वजह से स्टार्ट करना पड़ा आज ना, मतलब थोड़ा बिजी थी, बाजार वजार लेके आई, बाजार सेट की घर के अंदर। ये बारिश का मुझे मालूम था यही होने वाला है, प्लस भी हम लोग के घर में ना पानी बहता है ना, आप लोग जानते हो, जो मुझे बहुत दो साल से देख रहे हो लोगों को पता होगा कि बारिश के टाइम पे मेरे घर में तो एकदम पानी का नल चालू हो जाता है, इतने मोटे मोटे लाइन चालू होते हैं यहाँ से वहाँ से अंदर से। पिछले साल का व्लॉग देखना भूलना मत, मैं ना लिंक आइकन बटन में लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वो बारिश वाला व्लॉग देखना। घर के अंदर ऐसा सैलाब आया था, पानी यहाँ से नल चालू वहाँ से नल चालू, पीछे पूरी दीवार से पानी का पानी बह रहा था घर में पूरा। हम लोग परेशान हो गए, तो दोनों कैसे पानी उठाओ, सुपड़े से पानी उठा रहे थे, बाल्टी भर भर के लेके जाके अंदर वॉशरूम में फेंक रहे थे। उज़्मा स्विमिंग पूल समझ के नाच रही थी वो पानी के अंदर, और बहुत छोटी थी ना वो, कम दो साल की तो थी, दो साल भी खत्म नहीं हुआ था उसको पिछले साल। तो ऐसा है, अभी भी उसका बर्थडे आने वाला है जुलाई में, उसका बर्थडे उज़्मा का तीसरा साल खत्म होगा जुलाई में उसको। तो बस अभी गया है वो लेने के लिए। वो है ना, उनको है ना ये रेनकोट बहुत पसंद था, जब मैंने दिलाई थी ना बहुत पसंद था, लेकिन वो बहुत जाड़ा थिक फैब्रिक है, फैब्रिक को लेकिन क्या बोलेंगे, बहुत थिक है, गर्मी फील होती है, तो इसलिए वो बैक सपोर्ट एयर के हिसाब से देखा जाए तो जब ऐसी पहली दो तीन बारिश होती है तो पहन लेते, उसके बाद फिर वर्किंग पे जाते हैं ना तो बाइक पे वो इतना मोटा मोटा कपड़ा चलता नहीं, उनको चलाना नहीं होता बाइक वगैरह, तो फिर वो थिन वाला ले लेते, वाइट वाली जो पन्नी का रेनकोट होता है ना वो ले लेते। तो अभी लेंगे दो तीन दिन के बाद। और रही बात मेरे घर में, तो आज दिन में पानी बह रहा था तो बस उसी में बिजी थे, अभी बात करेंगे रूम मालिक से, फिर पन्नी आ जाएगी, फिर हम लोग सुकून से निकाल लेंगे ये चार महीने बारिश के। तो ऐसा है, ओके, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, कितनी बड़ी कहानी थी ना आज सुबह से व्लॉग नहीं बनाने की। तो ऐसा है, और अभी आज खाने में भी कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बन रहा है, बाज़ार आया था अभी जस्ट सेट की उसको, तो आज मैं सिर्फ बनाऊंगी मसाले वाली खिचड़ी। और मेरा कैमरा यहाँ रहता, मैं यहाँ देख के क्या बात करती हूँ, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया व्लॉगिंग करते करते तीन साल, हाँ लमसम होने आ रहे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं देखूँ कैसे। तो ऐसा से बात करने में इतना व्यस्त हो गई थी आप लोगों से बात करने में कि यहाँ पे मैं भूल गई थी कि मैंने दूध चढ़ाया और दूध पूरा बह गया। अभी मैं इसको क्लीन करूंगी अच्छी तरीके से, थोड़ा क्लीन किया अभी और क्लीन करूंगी। और बाजार में माशाल्लाह से अच्छी खासी सब्जी मंगवाई हूँ, भिंडी आया है और बटाने आए हैं और शिमला मिर्च भी आया है, लेकिन अभी मैं भाजी वगैरह नहीं बना रही हूँ क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं रोटी तो बनाने वाली हूँ नहीं, और काफ़ी टाइम हो गया है अभी बारिश के चक्कर में आज ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं आज सिंपल खिचड़ी बनाऊँगी मसाले वाली बस। और जो आप लोग मुझे कमेंट कर करके बोल रहे हो नाजिया भाजी आप ग्लो कर रहे हैं, खुशी तो बहुत हो रही है सच्ची में, बन सके ना खुशी तो बहुत हो रही है कि आप लोग मुझे ग्लो कर रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत मानों में देखा जाए तो ये स्वेलिंग है मेरे फेस पे, आप लोगों को स्वेलिंग दिख रहा होगा, ये स्वेलिंग है, ठीक है, ग्लो कर रही हो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये भी देखने को मिल रहा होगा कि मेरे डार्क सर्कल कम हो रहे,
क्योंकि मेरे शोल्डर पेन की वजह से, मेरे हाथ के पेन की वजह से मैं 2-4 दिन से काफ़ी आराम कर रही हूँ। इवन ब्लॉग भी टाइम पे नहीं डाल रही हूँ, कोई भी टाइम पे आ जा रहा है जैसे मुझे ठीक लग रहा है, कोई परफेक्ट प्रॉपर टाइम पंक्चुअलिटी के साथ मैं काम नहीं कर रही हूँ। पंक्चुअलिटी में ये होता है कि आप अपनी नींद को ज़ाया कर देते हो, सोते नहीं हो, क्योंकि आपको ये टेंशन होता है कि इतने बजे मुझे ब्लॉग डालना है, इतने बजे मुझे ये काम करना है, तो टाइम टेबल बना के उस हिसाब से नींद डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट 3-4 दिन से क्या हो रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने अपनी नींद को रखा है, बिकॉज मुझे सुकून भी देना है अपने हाथों को, ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो और जल्दी से जल्दी मैं अपना काम फिर से पंक्चुअलिटी के साथ शुरू करूं। लेकिन इस बार ये गलती नहीं करूंगी कि मैं अपनी सेहत को इग्नोर करके मैं बस काम 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 काम, भले मैं खिचड़ी बना के खाऊं, भले मैं चावल उबाल के खाऊं, अगर मैं थकी हुई हूं तो मैं नहीं करूंगी वो चीज़ जो मैं अपने बॉडी पे बर्डन कर रही थी। बॉडी ने साथ छोड़ दिया कि नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं, लेकिन माइंड बोल रहा है मेरे को ये खाना है, मेरे थके हुए बॉडी में मुझे इतनी मेहनत करना है, तो भी मैं कर रही थी। मैं थकी हुई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, फिर भी मैं अपने पे इतना त्रास दे रही थी अपने माइंड पे और अपनी बॉडी पे, नहीं मुझे एडिटिंग करना है, मतलब मैं ऐसे ना अपने आप से जिद कर रही थी, इसलिए मेरी बॉडी ने मतलब मुझे इतना तकलीफ दी। अब कोई जिद विद नहीं चलेगी, ब्लॉग थोड़ा लेट जाएगा चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो ये स्वेलिंग्स वगैरह आप देख रहे हो, ये मेरे शोल्डर्स देखो आप, ये देखो अभी भी आपको दिखेगा टाइट हो गया, ये देखो मेरा हाथ, ये तो फिर भी नॉर्मल ये वाला देखो, देख रहे हो आप लोग, ये देखो इसमें बहुत सूजन है और इवन ये टाइट है, तो ये चीज मुझे नहीं करनी है। तो आने वाले ब्लॉग्स आपको थोड़े बहुत लेट वेट मिल सकते हैं, टाइम टेबल के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन मैं अपना ख्याल रखूंगी। तो ऐसा एक बार इंसान से अगर गलती हो रही है तो वो चीज़ को सुधार ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे साथ तो ये पहली बार ही हुआ कि मतलब होता है थोड़ा बहुत पेन वेन होता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरे साथ। यूट्यूब को पंक्चुअल करने के चक्कर में, अपने घर के कामों को पंक्चुअल करने के चक्कर में मैंने अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर दिया, ऐसा हो गया। मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, सेहत है जान है तो जहान है, ये तो पहले से डायलॉग चला आ रहा है, लेकिन मैंने क्या करी पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी जान से ऊपर रख दी, और ये मैं पहले से थी लेकिन अब नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और जान में अगर 1% ऊपर रखना है तो मैं पहले अपने जान को रखूंगी आगे से, तो ऐसा, क्योंकि कितना भी कुछ भी हो, कितनी भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लो, जब जान अपनी तबीयत खराब हो ना, तो सिवाय माँ बाप के कोई सिराने पे बैठ के तुम्हारे सेवा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, आप ही को करना है घर का, आप ही को करना है। मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई है अभी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। चाह के भी कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर मेरे हस्बैंड चाहेंगे भी कि मेरी औरत को मैं आराम दूँ, कितना देंगे, वो अपना काम काज छोड़ के तो नहीं बैठ जाएंगे ना मेरी सेवा में, करना तो है मुझे उठ के, करना ही है, तो पहले ही कम करूँगी ताकि मैं अपनी तबीयत को ऐसे रिस्की ना बनाऊँ, पहले ही इतना हैवी काम नहीं लूँगी अपने आँख पे। आज मैंने कितना बात की ना, जज्बाती हो गई, 5 दिन से जो मेरे माइंड में चल रहा था सेहत को लेकर, वो सब बोल दी मैंने आप लोगों को, हाँ नहीं तो क्या। चले चले बहुत बात करती हुए, इसके लिए ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही थी मैं आज, बहुत थकी हुई थी और बात बहुत सारी थी, लेकिन बाबू भी थोड़े बिजी थे अपने काम वगैरह में, इतनी बात मेरे मन में थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ये कौन आया है, क्या हो रहा है बाहर, आज माँ कहाँ से आए तुम, अरे बोलो तो सही क्या हुआ, बोल मैं बाहर बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, क्या हो रही है, ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, बारिश के लिए बारिश से ठंडी लग रही, बता 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 मैं खोलती, चल बता, तुझे छोटा हो गया मम्मा ये रेनकोट है ना, रेनकोट छोटा हो गया, लाओ मास्क निकालेंगे, आओ झूठी बात है, ला मैं निकालती दे, क्यों नहीं निकालू, अबा निकालेंगे, कोई भी नहीं निकाले, बे 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 चप्पल पहन के बिस्तर पे नहीं जाते पापा,
नहीं अभी मैं फिश फ्राई कर रही हूँ कुरुम कुरुम। Thank you.